क्या है? एक झलक के लिए, एक झलक के लिए आप देख सकते हैं, देख सकते हैं चाहने वाले दीवार वेन है, उस पर आप लटक गए थे, अभी आपसे क्या बात हुई है? हमसे कुछ बात हुई है पर्सनल, बाद में बताएंगे। नहीं बताइए। एक आदमी को रख लिया गया वहाँ पे। अच्छा। और एक गाड़ी रोक लिया गया वहाँ। किनको रखा गया? पे भरोसा है, बेल होगा। कितने दिन में जेल होगा? तो बेल भी होगा। कितने दिन? जितनी गाड़ियाँ थी हम लोग का, 100, 150, 200 जो भी गाड़ी थी, सारा का सारा गाड़ी जो है हाईवे पे रोक लिया गया और हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया गया। गाड़ी को रोड पे रोक लिया गया और जिसको जाना था वो तो गया ही। उन लोग रुकने से रुकने वाले लोग थोड़ी नहीं है, कोई ऑटो से गया, कोई पैदल गया, अपना अपना व्यवस्था लगा कर गाड़ी रोड पे खड़ा करके लोग चले गए। कोर्ट में तो गई थे सभी लोग। कोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। बी ए, बी कॉम, बी एस सी, एम ए, एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डी ए वी पी जी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अलग अंदाज के चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत। अलग अंदाज की टीम अभी मंडल कारा सिवान, आप सबको पता हुआ समा साहब को मोतिहारी ले गया गया था। यही वो वेन है जिसमें वसामा साहब मोतिहारी से फिर सिवान मंडल कारा में आते हुए, ये आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें अलग अंदाज की टीम दिखा रही है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी तस्वीरें अलग अंदाज की टीम आपको दिखा रही है। वसामा साहब मोतिहारी से सिवान के लिए अलग अंदाज की टीम सीधी तस्वीरें आप तक दिखा रही है, पहुंचा रही है। एक झलक आप देख सकते हैं बिल्कुल, एक झलक के लिए आप देख सकते हैं, देख सकते हैं चाहने वाले दीवाने मंडल कारा सिवान वसामा साहब का। एक झलक के लिए एक झलक देख दीजिए चाहने वाले दीवाने, बिल्कुल सीधी तस्वीरें अलग अंदाज की टीम आप तक दिखा रही है। वसामा साहब का एक झलक पाने के लिए देखिए किस तरीके से नारे लग रहे हैं, ये बिल्कुल देख सकते हैं मंडल कारा सिवान अलग अंदाज सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रही है, दिखा रही है। बिल्कुल आप देख सकते हैं मंडल कारा सिवान बिल्कुल आप देख सकते हैं। सफर अच्छा रहा, मोतिहारी कोर्ट में जो है पुटअप था, पुटअप करके मंडल कारा सिवान लाया गया है और इसमें जो है कि निर्दोष है, न्यायालय पे भरोसा है, इंशाल्लाह ठीक ही होगा। अच्छा, अभी आप जो आपका वेन है उस पर आप लटक गए थे, अभी आपसे क्या बात हुई है? हमसे कुछ बात हुई है पर्सनल, बाद में बताएंगे। नहीं नहीं बताइए कुछ कुछ हाल चाल। सलाम किया, सलाम किया तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला? हाल चाल पूछा उन्होंने। हाल चाल पूछा आपका जी? अच्छा, क्या कहेंगे? सुने थे कि आप लोगों को रोक लिया गया था मोतिहारी प्रशासन के द्वारा कुछ देर पहले ही। रोका गया था हम लोगों को, जो है कि जांच हुई, जांच करके हम लोगों को छोड़ दिया गया। गाड़ी का भी नंबर नोट किया गया। वहाँ क्या किया गया? वहाँ कितने देर कोर्ट के अंदर थे? एक आदमी को रख लिया गया वहाँ पे। अच्छा। और एक गाड़ी रोक लिया गया। वहाँ किनको रखा गया? तारिक नाम है तारिक को। ठीक है, तो मतलब ये बताइए कितना देर वहाँ कोर्ट में थे वसामा साहब? लगभग 2 घंटा। 2 घंटा में सब कुछ हो गया। चलिए अब आगे का आप लोगों को क्या उम्मीद है? न्यायालय पे भरोसा है, बेल होगा। कितने दिन में जेल होगा? तो बेल भी होगा। कितने दिन में बेल होगा? बस 2-4 दिन में हो जाएगा। 2-4 दिन में हो जाएगा। क्या कहेंगे पूरे क्षेत्र, पूरे बिहार वासियों से? पूरे सिवान की जनता देख रही है कि निर्दोष को जेल भेजा गया है और जनता इसको जो है कि इसका 24 में चोट से वोट करेगी। जेल से साहब की राजनीति हुई थी, इनकी भी राजनीति स्टार्ट हुई। बताइए सिवान से मोतिहारी, मोतिहारी से फिर सिवान मंडल कारा सिवान, कैसा रहा सफर? सफर पूछना क्या है, सारे लोग ने देखा, आप भी थे, हम देखे आपको बहड़िया में जो है आप कवर कर रहे थे न्यूज जो है, आप देखे ही हम लोग मोतिहारी पहुंचे, वहाँ का प्रशासन हम लोगों को हाईवे पे रोक लिया, हम लोग को टाउन के अंदर जाने नहीं दिया। जितनी गाड़ियाँ थी हम लोग का, 100, 150, 200 जो भी गाड़ी थी, सारा का सारा गाड़ी जो है हाईवे पे रोक लिया गया और हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया गया। गाड़ी को रोड पे रोक लिया गया
और जिसको जाना था वो तो गया ही, उन लोग रुकने से रुकने वाले लोग थोड़ी नहीं है, कोई ऑटो से गया, कोई पैदल गया, अपना अपना व्यवस्था लगा कर गाड़ी रोड पे खड़ा करके लोग चले गए। कोर्ट में तो गए ही थे सभी लोग, गए क्या हुआ वहाँ? वहाँ गए पेशी था अपना, पेशी अपना हुए, केस पुटअप हुआ, उसके बाद से फिर वापस चले आए हम लोग। क्या कहेंगे, कहना क्या है, बाहर आ जाएंगे? अब तो ये जुडिशियल का मामला है, हम लोग को जुडिशियल पे पूरा भरोसा है, हम लोग को इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बेवजह बेमतलब जो है इनको फंसाया गया केस में, कहीं दूर दूर इस मामले में वो नहीं थे। जी जी, मैंने उम्मीद है आप लोग, कब तक उम्मीद है कि बाहर रहेंगे? बहुत बहुत जल्द, बहुत।